नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, आंकड़ों पर नहीं रणनीति पर करें बात, वैक्सीन तैयार करना हमारे हाथ में नहीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा, कहा हर विधायक की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा टिकट। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया घोटालेबाज, कर्मकार कल्याण बोर्ड में बताई गड़बड़ी। बाजपुर में चीनी मिल के नवीन तराई सत्र का उद्घाटन, तराई सत्र का मंत्री यशपाल आर्य ने किया शुभारंभ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी औली की खूबसूरत वादियां, सैलानियों में खुशी का माहौल। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के केस, सोमवार को कोरोना के 376 नए संक्रमित मरीज मिले, 7 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बढ़ते हुए कोरोना के केस और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दे पर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा, लेकिन वैक्सीन के साथ ही पीएम मोदी ने फिर याद दिलाया कि हर किसी को अभी भी सतर्कता बरतनी होगी। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने अपने संदेश में क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीनेशन की वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की एक डोज होगी, दो डोज होगी या तीन डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, यह लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमिटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जुड़ाएंगे पीएम मोदी। बता दें कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल है जारी, हौसला अफजाई के लिए सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे पीएम मोदी। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाएंगे पीएम मोदी। बता दें आपको कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जारी है और हौसला अफजाई के लिए सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाएंगे पीएम मोदी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जारी है और हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाएंगे पीएम मोदी। और खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की। इस मौके पर 8 राज्यों में जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। कोरोना से लड़ने के लिए समय समय पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज रिकवरी रेट एवं फर्टिलिटी रेट दोनों में भारत अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। वहीं इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें पूरी आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द ही हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर इसके लिए जो प्राथमिकताएं तय करनी है, उसके लिए सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाई जा रही। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खरीदी के पास लगातार मलबा आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मामले पर होटल स्वामी मोहन सिंह पवार ने बताया कि उसका होटल अब पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर और परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट के अधिशासी अभियंता रमनीत पांडे से मुलाकात कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिशासी अभियंता ने इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। पदाधिकारियों में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभन राणा, सहित शरद चौहान, चंद्रमोहन राणा, अनिल रावत, आशीष डोभाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि होटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी अधिकारी से मिले आपको बता दें कि लगातार मलबा गिरने से कई होटल एक्चुअली क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसको लेकर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी जो है वो अधिकारी से मिले। लगातार मलबा गिरने से यातायात भी बाधित हो गया है और होटल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर पदाधिकारी अधिकारियों से मिले। कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि खनन सीजन के दौरान ओवरलोडिंग वाहन चालकों के खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। करीब ठीक ही है, कुछ थोड़ा चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं हमारे यहाँ, और दूसरा हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं।
जैसा आपको जानते हैं शादियों का सीजन चल गया है, इसमें उनको निर्देशित किया गया शाम को ड्रंकन ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग कार्रवाई का। खबर देहरादून से, जो राज्य का पारंपरिक त्यौहार ईगास को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में पहाड़ों पर ईगास मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान शिशुपाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जब से पलायन हुआ है तब से त्यौहार और यहाँ की परंपरा खत्म होती जा रही। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में दिवाली 11 दिन बाद मनाई जाती है, जिसे बूढ़ी दिवाली और ईगास के नाम से जाना जाता है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पहाड़ों पर बड़े स्तर पर मनाया जाता था ये त्यौहार, लेकिन अब पिछले 20 सालों में नीति निर्माताओं और सरकार के उदासीन रवैये बढ़ते पलायन ने यहाँ के त्यौहारों को विलुप्त किया है। उद्देश्य तो ईगास बग्वाल की जो है कि बधाई दी है पूरे प्रदेश को, और साथ में जो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे अपील की गई कि कल 25 तारीख को वो अपने अपने घरों में दिए जला करके ईगास बग्वाल को मनाएं, और इस ईगास बग्वाल को हम अगले जो 2021 आएगी हमारी और भी वृद्ध हो, इन उम्मीदों के साथ जो है पहाड़ों में जो खंडर मकान है या हमारे जो बुजुर्ग वहां पर रह गए हैं उन्हें एहसास हो कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वाकई में जन सेवा करने के लिए आए हैं। लालकुआ पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता कर उत्तराखंड बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार के घोटालों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गए बाकी विधायकों को भी आड़े हाथ लिया और उनको खेत खराब करने वाला बैल बताया। कारों के मामले में जो घोटाला हुआ है तनुकार बोर्ड के, उसमें उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुँचाए, जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया। और सब ये मेरा विषय नहीं है, ये आरक्षण ये प्रीतम सिंह जी का और इंदिरा जी का विषय है। मैं एक बात जानता हूं कि जिन लोगों ने भी पार्टी की सरकार को गिराया है उनके विषय में किसी समय कोई कुछ सोचा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा दिया। देवभूमि के कई जिलों में तापमान माइनस में भी पहुंचने लगा। देख रिपोर्ट। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी वादियां, देवभूमि के कई जिलों में भारी बर्फबारी, कई जिलों में तापमान माइनस में पहुंचा। बर्फबारी ने बढ़ाई मैदानी इलाकों में ठंड, सैलानियों में दिख रहा खुशी का माहौल, खुशी के साथ आफत का भी सता रहा डर। बर्फबारी से अलर्ट मोड में उत्तराखंड प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा दिया है। देवभूमि के कई जिलों में तापमान माइनस में भी पहुंचने लगा है। हाल ही में उत्तरकाशी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। एक ओर जहां इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को इस बर्फबारी से कई घरों की बिजली गुल होने का भी डर सता रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा ऐसे इलाकों में पर्याप्त मात्रा में शीतकाल का खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया है, जहां इस तरीके की मुसीबतों की संभावना है। आपको बता दें, जिन जगहों पर बर्फबारी हो रही है वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा दयारा बुग्याल, हरकी दून घाटी है। इसके अलावा गंगा घाटी के हर्षिल, सुक्की, मुखवा, धराली, यमुना घाटी में खरसाली, जानकी चट्टी, पुरोला ब्लॉक के सरबडियार और मोरी ब्लॉक के सांकरी आदि गांव के निकट की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
उन्हें अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां मोतीचूर रायवाला के बीच आरओबी निर्माण के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार और शुक्रवार को नहीं होगा। इसके अलावा देहरादून से प्रयागराज के बीच संचालित लिंक एक्सप्रेस को मंगलवार को देहरादून से संचालित नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि रेलवे बोर्ड की तरफ से शताब्दी एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई है, जिसके चलते दोनों ट्रेनें मंगलवार और शुक्रवार को नई दिल्ली और काठगोदाम नहीं जाएंगी। शताब्दी एक्सप्रेस जो 24 और 27 को है, एक दून नैनी काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस है जन शताब्दी, वो 24 और 27 को कैंसिल रहेगी, और 41-13 हमारी आज लक्सर तक थी, लक्सर से इलाहाबाद के लिए कैंसिल रहेगी, आज भी लक्सर से टर्मिनेट होकर काली रेल जाएगा यहाँ से, और गाड़ी कैंसिल रहेगी, और बाकी सब अपने प्रॉपर मसूरी चल रही है हमारे पास, नंदा देवी चल रही है कोटा के लिए, और जनशताब्दी सुबह नई दिल्ली वाली है 5 बजे जाती है वो बराबर चल रही है, और 3:20 पे नई दिल्ली से देहरादून आती है एक रात को 21 बजे, वो चल रही है गाड़ी, तो ये गाड़ी चल रही है मसूरी नंदा देवी जनशताब्दी, ये चल रही है। भाजपुर में चीनी मिल के नवीन बनाए सत्र का उद्घाटन, प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आदि ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर व गन्ना डालकर किया। इसमें पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहले गन्ने से लदी बैलगाड़ी व पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री द्वारा एक कंबल और एक बाजी देकर उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बता दें कि भाजपुर की चीनी मिल बदहाली के आंसू बहाती आ रही थी, जिसके आधुनिकरण के लिए विगत वर्ष उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा था कि मंत्री जी के दावे एक बार फिर फेल हुए हैं। शुक्रवार को भाजपुर की चीनी मिल को पेराई सत्र का शुभारंभ प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपुर चीनी मिल को आगे बढ़ाने हेतु कार्य किए जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चीनी मिल की आय बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले गन्ने का भुगतान प्रदेश सरकार कर चुकी है, जो बेहद सराहनीय है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शीघ्र ही फैक्ट्री में 155 करोड़ का पावर प्लांट स्थापित किए जाने की बात भी कही है।
तेजो भय तेजो एकीकृता मित्रकम कर्पूरकम आराध्यकम तुभ्यं संपत्तये। गठबंधन को बहुत बहुत बधाई। पहली बार पूरे उत्तराखंड में जो हमारी चीनी मिलें हैं उन किलों चीनी मिलों में अभी प्राइस 17 दिन हुआ है, लेकिन आज हमारे बाजपुर चीनी मिल में प्राइस का शुभारम्भ किया है। निश्चित रूप से बड़े प्रसन्नता का विषय है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस वर्ष रिकॉर्ड पिराई होगी, ऐसा मेरा मानना है। पिछले वर्ष जो गत वर्ष में जो चीनी का रिकवरी रेट था 10.81 रिकवरी रेट रहा है। बाजपुर के भटपुरी गांव में सड़क किनारे घूम रहे बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे से आ रही मारुति वैन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम चकलुआ रामपुर निवासी भटपुरी स्थित अपनी बेटी गायत्री के यहाँ गया हुआ था। बिहारी लाल घर के बाहरी सड़क पर टहल रहा था कि हल्द्वानी की ओर से आ रही मारुति वैन चालक ने बिहारी लाल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बिहारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी वैन चालक व वैन को पकड़कर बरहानी चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मौत की खबर पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि यहां पर आए दिन लगातार ऐसे सड़क हादसे देखने को मिलते हैं जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस सड़क हादसे में कोई भी सुध नहीं ली गई है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी वाहन चालक है और उसे पूछताछ भी की जा रही है। में एक वैन द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति जो लगभग 60-65 वर्ष के होंगे उनको हिट एंड रन कर दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बॉडी का पंचायतनामा भर के उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कार चालक है उसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।